Welcome to Leaders of Tomorrow, India's only daily television platform for small businesses. Tonight on the show, a very special interview, impactful brands and leaders. I'm in conversation with Feroz Merchant of Pure Gold Jewelers. This is a very inspirational story. Feroz, starting from an impoverished background to go on to becoming one of the largest names when it comes to the gold and jewelry market. I spoke to him about what that initial journey was like and what those initial days were like, and also what he's planning now for the future. Take a listen. Thank you very much for coming to our studios and talking to us here on the show. You have a fascinating journey in terms of how you started and you know how Pure Gold really has come into being. Before I come to your journey as an entrepreneur, I want to talk about the company. You're a business that I understand was started in 1989. Yes. What has the journey been like? Journey started actually in 1980. जब मैं दुबई गया और वहाँ पे गोल्ड सुख देखा तो गोल्ड सुख देखने के बाद बहुत इंस्पायर हो गया मैं और एक ऐसी फीलिंग आई कि फैमिली मेंबर हम लोग 6 भाई 3 बहन और पेरेंट्स टोटल 11 जने क्यों ना एक फैमिली मेंबर एक कंट्री के बाहर चला जाए और वहाँ जाके कुछ करे और वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट की मैंने 1980 में सोचना शुरू किया और जैसे मैं बैक टू मुंबई आया तो ये बात मैंने अपने पेरेंट्स के पास रखी और भाई लोग के साथ रखी उस वक्त पेरेंट्स ने इस बात को डिसरिगार्ड कर दिया और बचपन से मेरे वालिद कहते थे कि फिरोज तू बहुत डिटरमाइंड लड़का है अगर कोई भी चीज़ पे तू ठान लेगा तो ज़रूर तू करके दिखाएगा और उस दिन से मेरे जहन में था फिर मैं ज्वेलरी बाज़ार जाता था वहाँ पे जाके थोड़ा समझने की कोशिश करता था कि ये ज्वेलरी बिजनेस क्या होता है कैसे किया जाता है और साथ साथ में अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करता था ओके सो दैट वाज योर जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर यस इफ यू कैन टॉक टू अस अबाउट प्योर गोल्ड ज्वेलरी व्हाट द जर्नी ऑफ द कंपनी हैज आल्सो बीन 1989 में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया एक छोटा सा स्पेस लिया मुर्शिद बाजार करके गोल्ड सुख के करीब में है वहाँ पर स्पेस लेके वहाँ पर एज ए ब्रोकरेज शुरू की ब्रोकरेज ऐसे की जैसे गोल्ड सुख के अंदर ज्वेलर्स है वो ज्वेलर्स को जा जाके पूछता था कि आपकी कोई गोल्ड की रिक्वायरमेंट तो आप मुझे बताइए उस ज़माने में गोल्ड के बार चलते थे जिसको बोलते 10 तोला बार्स एंड 1 किलो का बार पर ज़्यादातर 10 तोला बार्स ज़्यादा बिकते थे और वहाँ पे 3 या 4 अच्छे बड़े होलसेलर सप्लायर थे तो मैंने ये जर्नी वहाँ से शुरू की कि वन साइड बायर तैयार करता था और इमीडिएटली जाके सेलर जो होते थे होलसेलर उनसे लेता था और पर पीस अपना कमीशन रखता था अप्रोक्सीमेटली 5 दिरहम पर पीस मेरा फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ 3 पीस से 15 दिरहम कमाने से और वहाँ से ही मेरी जर्नी शुरू हुई ग्रेजुअली मेरा बिजनेस बढ़ते गया और फिर मैंने वहाँ पे एक बैंक है उधर अकाउंट खोला जो उस ज़माने में बैंक का नाम था बैंक ऑफ ओमान जो अभी उसका नाम है मशरिक बैंक मुर्शिद बाज़ार में और बैंक से जाके बैंक में अकाउंट खोलने के बाद बैंक ने मुझे चेक बुक दी वो चेक बुक जो मैंने लिए एज ए सिक्योरिटी ऑलवेज मैं सप्लायर के पास चेक रखता था ये कहता था कि चेक मेरा आप डिपॉजिट रखो आपके पास मैं आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में आपका पेमेंट कर लूँगा और मैं अपना चेक वापस ले जाऊँगा sure. इस तरह से करते करते मैंने ट्रस्ट बिल्ड किया और ग्रेजुअली मेरा बिजनेस आगे बढ़ते गया सो व्हाट डू वांट आवर व्यूअर्स टू नो अबाउट प्योर गोल्ड ज्वेलरी नाउ यू नो हाउ लार्ज आर यू हाउ मेनी लोकेशंस आर यू प्रेजेंट इन
स्टिल वी आर नॉट लार्ज, ये कह सकते हैं कि स्टिल देर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ. बिजनेस के अंदर कभी भी लार्ज नहीं होता है, जब तक आप करते हो तब तक आपका बिजनेस कंटिन्यू होता है. हमारा करंट स्ट्रक्चर जो है 157 स्टोर्स है वर्ल्ड की 13 कंट्रीज़ के अंदर, और हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और ऑलमोस्ट 3,500 लोग हमारे साथ एसोसिएट है और हमारे साथ काम करते हैं. ओके, व्हाट इज योर बिगेस्ट लर्निंग बीन इन दिस जर्नी? सबसे पहले तो लर्निंग के अंदर ये था कि एक्सेप्ट करो हर चैलेंज को, और साथ साथ में सर्वाइवल लेवल बनाओ. कोई भी चैलेंज को तुम इग्नोर मत करो, और सर्वाइवल लेवल ये होता है जिससे तुम अपने आप को सर्वाइव करो, सर्वाइव करके अपने आप को स्टेबल करो, स्टेबल करके उसके बाद स्टेबिलिटी के बाद आप ग्रोथ प्लान करो. तो ये सारे चैलेंज जो आए थे लाइफ के अंदर, जो बिगिनिंग के अंदर एक सेटअप करना बिजनेस, बट अच्छी बात थी कि उस ज़माने में आज के जैसी ओपन मार्केट नहीं है, आज के जैसा कंपटीशन नहीं है. आज ग्लोबल डे टू डे छोटा होते जा रहा है, उस ज़माने में ग्लोबल बड़ा था. एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जाना हो तो उस ज़माने हम लोग बोलते थे इतना दूर जा रहा है, और आज एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर हम जाने की बात करते तो लगता है कि अभी गए और अभी आ गए. तो उस ज़माने में सारी चीज़ें थी, बट गॉड ग्रेस मैंने कभी लाइफ के अंदर इसी चीज़ों में ये नहीं सोचा कि बहुत चैलेंज है या बहुत डिफ़िकल्ट है. मेरी लाइफ में डिफ़िकल्ट वर्ड कभी आया नहीं, हर डिफ़िकल्टी को मैंने हंसते हुए उसको संभाल लिया. Okay, fantastic. I want to talk about the challenges that you were just referring to. The market when you started in 1989, very different from what it is right now. True, and that's true. Yeah, largely because of the way technology is making the world so small. Your view of what the biggest changes have been, how are you using technology in your business? Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब बिज़नेस शुरू किया तो उसके साथ कुछ डिसिप्लिन, कुछ प्रिंसिपल्स एंड कुछ रूल्स बनाए, जिसके अंदर मेरा बिज़नेस प्लान था लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं था. बिज़नेस के अंदर प्लान होता है शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग. आज जो साइंस टेक्नोलॉजी ने जो प्रोग्रेस किया दुनिया के अंदर और जो हो रहा है वो हमारे लिए बहुत सपोर्टिंग लेवल है, क्योंकि उस ज़माने में सोना था, आप समझ लो मैं आपको डॉलर में बात करूँगा तो $200 पर आउंस था, या $250 या $300 था, और आज सोना हो गया $1,000 के ऊपर, $1,200, $1,300, $1,400. तो प्राइस देखो कितना बदल गया उस ज़माने के और आज के. तो ये साइंस टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग हमारा जो प्रोडक्ट कर रहे हैं उसको होलो प्रोडक्ट करते हैं, जिसके वजह से 10 ग्राम का पीस लुक लाइक अ 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम. तो सब काम करने के लिए जो नई साइंस टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करती है, बहुत यूज़फुल हो गई है. ओके, हाउ मच ऑफ टेक्नोलॉजी आर यू यूजिंग इन योर बिजनेस, हाउ आर यू लर्निंग? मेरे पास अपनी टीम है, हमारे पास लोग है काम करने वाले जो हाईली प्रोफेशनल्स है, एंड द सेम टाइम मेरा बेटा है जो CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माय कंपनी है, जो वो डे टू डे बिजनेस देखता है और ये सब मैनेज करता है, रन करता है. मेरा रोल जो होता है वो ये है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मैं लेता हूँ, मैं विजन बनाता हूँ और उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं. फाइनेंस जो है वो मैंने अपने कंट्रोल में रखा है. सो व्हाट वुड यू से देन योर ब्रांड आइडेंटिटी इज, व्हाट इज योर USP? द वर्ल्ड लाइक यू सेइंग इज बिकमिंग स्मॉलर, हाउ वुड यू से दैट यू आर मैनेजिंग देन टू रिटेन व्हाट यू आर अबाउट? बेसिकली बेस ऑन कस्टमर है. कस्टमर्स के लिए मेरा ऑलवेज मैसेज है मेरी टीम के लिए कि कस्टमर इज़ नॉट ए कस्टमर. और आज हमारी जो कोई भी ग्रोथ है, जो भी हमारी सक्सेस है, वो बिकॉज ऑफ हमारे लॉयल कस्टमर के वजह से है. कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन और कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट और कस्टमर्स की जो क्वेरी है वो उसको ऑलवेज आप लोग मद्देनज़र रखो, उन पर काम करो, उनका ख्याल रखो. मेरा एक कस्टमर अगर नाराज़ हो जाता है तो समझो कि मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ. मैंने काफ़ी टाइम मेरी सेल्स टीम को जब ट्रेनिंग होती है तो मैं सरप्राइजली ट्रेनिंग रूम में चला जाता हूँ और वहाँ जाके सिंपल सवाल करता हूँ कि आप लोग का चेयरमैन कौन? तो सब कहते हैं सर आप. तो मैंने कहा आपको पता है मेरा चेयरमैन कौन है? तो बेचारे कोई जवाब दे पाते, कोई जवाब नहीं दे पाते, पर वो समझ नहीं पा रहे कि मैं ये क्या कहने जा रहा हूँ. तो मैं कहता हूँ मेरा चेयरमैन मेरा कस्टमर है. अगर आपने आपके चेयरमैन को खुश देखना चाहा तो आप मेरे चेयरमैन को खुश करो. अगर मेरा कस्टमर खुश तो आपका चेयरमैन खुश, और आपका चेयरमैन खुश तो आपकी ग्रोथ और आपकी सक्सेस. सिंपल लाइन है, कस्टमर हमेशा हमारे लिए ऑन द टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए. कस्टमर के साथ कभी आप आर्ग्यूमेंट नहीं करो. कस्टमर जो कहता है पीसफुली सुनो. हम लोग प्रोडक्ट लाइन के ऊपर भी बहुत फोकस करते हैं. प्रोडक्ट के साथ साथ कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं. हमारी USP जो मेन है वो वैल्यू फॉर मनी.
प्राइस पॉइंट, हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो हम लोग 100% कस्टमर्स को ये गारंटी देते हैं और इस साथ साथ में एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप हमारी दुकान से प्राइस चेक करो और ये प्राइस चेक करने के बाद आप मार्केट में जाइए और उसका प्राइस चेक करिए। अगर हमारा प्राइस मार्केट प्राइस से अगर आपको सस्ता लगता है तो आप डेफिनेटली प्योर गोल्ड से खरीदिए। sure. तो ये जो प्राइस पॉइंट हमारा है वो बहुत बड़ा USP है। उसकी वजह है कि हमारा इन हाउस प्रोडक्शन हाउस है, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है जिसकी हमारी अपनी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, एक चाइना में है और 2 मुंबई में है। तो हम अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग करके कस्टमर्स की जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। अभी एक फैक्ट्री हमने दुबई में खोली है जो हमारा इन हाउस प्रोडक्ट करने के लिए। I'm going to take a very quick break on that note, but we will continue this very fascinating conversation on the other side. Just stay tuned. Welcome back. You're with us here on Leaders of Tomorrow, and we're continuing that conversation with Firoz Merchant of Pure Gold Jewelers. You're talking with the customers, and particularly in the jewelry business, it's very important that customers are informed about things like quality and pricing. 100%. What are you doing when it comes to informing them on quality? हमारा क्वालिटी के ऊपर कस्टमर्स के साथ बायबैक गारंटी होता है कि आप हमसे प्रोडक्ट लेते हो जिसकी हम बायबैक गारंटी देते हैं। हर प्रोडक्ट के साथ हम उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफाइड बाय दी जो मल्टीनेशनल्स होते हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट देते हैं उनको। एंड द सेम टाइम जैसे मैंने आपसे कहा, और सेम टाइम हम कस्टमर्स को बायबैक गारंटी देते हैं, 100% एक्सचेंज गारंटी देते हैं, साथ साथ में 100% रिपेयर गारंटी भी देते हैं। फिर सेम टाइम कस्टमर्स को सम टाइम उनको पॉलिश करना है तो फ्री करके देते हैं, यानी कस्टमर सर्विस के अंदर बेस्ट जो भी बन सकता है करते हैं। ओके, हाउ इम्पोर्टेंट इज द इंडियन मार्केट फॉर यू? यस, इम्पोर्टेंट मार्केट सिर्फ हमारे लिए नहीं बट ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर ग्लोबली इंडिया इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट इन ग्लोबल। इंडिया एंड चाइना जो ये 2 मार्केट है बड़ी इम्पोर्टेंट मार्केट है कंसिडरिंग द इंडिया का जो पॉपुलेशन है और हमारे कल्चर के अंदर ये ज्वेलरी जो है वो हमारे कल्चर में है तो बड़ी इम्पोर्टेंट मार्केट है। आज हमारा जो UAE के अंदर या GCC में हमारे जितने भी शोरूम है उसमें आप ज़्यादातर हमारे जो कस्टमर्स है वो इंडियन है, एशियन है। ओके, आई वेरी क्विकली आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन द ज्वेलरी बिजनेस। हाउ डू यू इनोवेट, हाउ डू यू इंश्योर दैट इनोवेशन इज समथिंग दैट यू आर कॉन्स्टेंटली देन डूइंग? यस, ब्रांड इनोवेट करने के लिए हम लोग टाइम टू टाइम ब्रांड के अंदर जो प्रोडक्ट लाइन होता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, डिज़ाइन लाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, प्राइस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये सारी चीज़ों को ख्याल रख के इनोवेशन के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। हमारे पास एक टीम रखी हुई है जो हमारी टीम डिज़ाइन के ऊपर काम करती है और जिनका काम सिर्फ एक ही होता है कि वो मल्टीनेशनल्स वर्ल्ड की अच्छी अच्छी बड़ी कंपनीज से डिज़ाइन चेक करें क्या मार्केट में चल रहा है, क्या फैशन है, और उसको हम लोग हमारा इन हाउस प्रॉपर ब्रांड बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं और वो इनोवेशन करके हम लोग अपनी दुकानों में माल बेचते हैं। ओके, व्हाइल वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द ज्वेलरी बिजनेस एंड व्हाइल यू आर डेफिनेटली नोन फॉर प्योर गोल्ड, यू आर आल्सो लुकिंग एट डाइवर्सिफिकेशन, कैन यू टॉक टू अस अबाउट दैट? यस, वी आर लुकिंग इनटू डाइवर्सिफिकेशन एज ए हम लोग ने सोचा है कि हम लोग इंडिया जो हमारी होम कंट्री है और UAE जो हमारी होस्ट कंट्री है, जहाँ पे इंडिया के अंदर हम सब जानते हैं हमारा पॉपुलेशन वर्ल्ड में हाईएस्ट पॉपुलेशन है विच इज़ वेरी हाईएस्ट नंबर, और इंडिया के अंदर हम लोग अभी जो डाइवर्सिफिकेशन में जा रहे हैं स्पेशली रियलिटी बिजनेस में जाना चाहते हैं, रियल इस्टेट बिजनेस में जाना चाहते हैं, जिसके अंदर हम लोग ने एक प्लान किया है 300 से 400 करोड़ रुपया नेक्स्ट 3 साल में लाएंगे हम, जो 2019 के अंदर 100-150 करोड़ ऑलरेडी हम लोग ने उसका प्लान किया है और उसको रिजर्व किया है कैश फ्लो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग रियलिटी रियल इस्टेट बिजनेस में डालेंगे। बिजनेस का प्लान ऐसा है कि 3 कॉन्सेप्ट होगा, एक लो बजटेड हाउसिंग, एक होगा हमारा कमर्शियल के अंदर
जो कमर्शियल के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे, जिसके अंदर मल्टीनेशनल्स कंपनी, जो अभी हम सब जानते हैं कि हमारी कंट्री बहुत ओपन हो रही है, पॉलिसीज बहुत चेंज होते जा रही है और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स कंपनी अभी इंडिया में आ रही है, तो उनके लिए हम लोग कमर्शियल्स में जाएंगे और द सेम टाइम हम लोग लॉजिस्टिक में जाएंगे। जैसा हम सब समझ रहे हैं कि आज जैसे साइंस टेक्नोलॉजी ने जो तरक्की की है और ऑनलाइन प्रोडक्ट जैसे अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो ग्रो कर रही है, और उन लोग के लिए जो मल्टीनेशनल लोग के लिए जो वेयरहाउस की जो इनकी रिक्वायरमेंट है, उनके लिए हम लोग वेयरहाउस के भी काम करेंगे, वेयरहाउस बनाएंगे और ये मल्टीनेशनल्स कंपनी जो है उनको लॉजिस्टिक को देंगे हम। ओके, व्हाई डिड यू फील द नीड टू डाइवर्सिफाई? यू आर डूइंग रियली रियली वेल इन द ज्वेलरी बिजनेस। बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन इज ऑलवेज गुड कहते हैं। जैसे 30 साल की जर्नी के अंदर हम लोग ने प्योर गोल्ड को इस्टेब्लिश किया, पोजिशनाइज किया, एक ब्रांड बनाया, ब्रांड इमेज बनाई। अब यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, ऑलवेज कहते हैं कि आगे का सोचते रहो और आगे का देखते रहो, और बिजनेस के अंदर ऑलवेज जितना आप सोचो जितना देखो इतना अच्छा है। तो ये हमने डाइवर्सिफिकेशन के अंदर हमने सोचा, तो सोचा रियल इस्टेट बिजनेस, कंसिडरिंग जो हमारी पॉपुलेशन है, और अच्छी बात है कि हमारी खुद की अपनी डोमेस्टिक डिमांड है। हम ये नहीं कह सकते कि हम वो रियल इस्टेट बिजनेस में जा रहे हैं जहाँ पे स्पेकुलेशन है। हम तो वो कहते हैं कि हमारी डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम उसको सपोर्ट करें, वहाँ पे हम उस पर काम करें। तो उसके लिए हम लोग ये डाइवर्सिफिकेशन रियल इस्टेट में इंडिया का प्लान किया है। ओके, व्हाट्स द आउटलुक? जो हिसाब से हम लोग ने इसके ऊपर स्टडी किया, 6 महीना चला गया हमारा रिसर्च स्टडी करने में, बट फाइनली बहुत पॉजिटिव आया। ये बताने में आया कि ये राइट टाइम है अगर मार्केट में आप इंटर होते हो तो, और इसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और ये अपॉर्चुनिटी के अंदर आप चूज़ करो कौन सी अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो, वो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इंडिया ऑलवेज ग्रोइंग कंट्री है, इंडिया ऑलवेज ग्रो होगा, और मैं इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ। हमारी कंट्री इट्सेल्फ बहुत पावरफुल कंट्री है, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक वक्त के साथ वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमिक वर्ल्ड में हो सकती है और होगी। Okay, the government of course is very intent as far as value-based housing is concerned in housing for all by 2022. Do you see maybe some benefits there? Yes, मैंने सुना है और इसके ऊपर हम लोग ने ऑलरेडी हमारे जो टीम है उनको काम पे लगाया है। अगर हमको अल्लाह होगा, जैसे हम एज ए NRI है, NRI के लिए काफ़ी जगह पे रिस्ट्रिक्शन है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो काम करें जिसके अंदर हमको अकॉर्डिंग टू द लॉ कंप्लाइंस और अकॉर्डिंग टू द लॉ हमको अलाउ करने में आता है कि नहीं। अगर वो अलाउ करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग हाउसिंग्स में जाएंगे, प्रधानमंत्री हाउसिंग्स के अंदर जो लो बजट हाउस बनाएंगे। कुछ कुछ हमारा इनिशियली रिसर्च के अंदर पता चला है कि जिसके अंदर कुछ वैल्यूज 3,000 या 3,500 का नहीं, ऐसा सब कुछ डिटेल देने में आई है कि पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐसा है, और आप प्लॉट खरीदो उसके बाद आपको बाकी की सारी परमिशन जो है वो यहाँ पे MIDC से मिलेंगी, और बताने में आया कि वन विंडो है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, यानी काफ़ी चीज़ें इसे सुनने में आई है। और आई थिंक ये लग रहा है कि बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है अगर हम करेंगे। जैसे सुना है कि यहाँ पे टाटा ग्रुप कर रहा है, इसी तरह से काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स यहाँ पे ये काम करती हैं। ओके, सो दैट इज समथिंग यू लुकिंग एट? डेफिनेटली, यस, डेफिनेटली वी विल कंसीडर। श्योर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज फार एज फंडिंग इज कंसर्न, हाउ आर यू फंडिंग दिस बिजनेस? इज एंटायरली इंटरनल अक्रूअल? यस, हमारा फंडिंग जो है वो हमारा खुद का पर्सनल कैपिटल है। जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया था तो उसके साथ कुछ पॉलिसीज बनाई थी जिसके अंदर डेप्ट टू इक्विटी ऑलवेज मैंने उसको कंट्रोल में रखा था, और आज भी मेरा डेप्ट टू इक्विटी ऑलवेज कंट्रोल में रहता है। मेरा डेप्ट टू इक्विटी का जो रेशियो है वो मैंने ऑलवेज काउंट किया है कि 0.5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर हमारा $100 है तो $50 हम लोग फाइनेंस लेते और $100 हमारा लगाते हैं। और इसकी लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि बिजनेस के अंदर दो साइकिल होती है, अप एंड डाउन, रिसेशन होता है और मार्केट बढ़ इम्प्रूव होती है। तो रिसेशन टाइम के ऊपर कैश फ्लो हीट ना हो जाए और इजीली कंफर्टेबली हम सस्टेन कर पाए, इसके लिए हम लोग ने डेप्ट टू इक्विटी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा है। ग्रेट, सो यू ऑलवेज लुक्ड एट इंटरनल अक्रूअल्स। वेरी क्विकली आई वांट टू टॉक अबाउट द फैक्ट दैट यू नो, गिवन ऑल्सो द वेरी इंप्रेसिव जर्नी दैट यू हैव हैड एज अ फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, फिलैंथ्रोपी इज समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट। 2008 के अंदर हमने एक नया इनोवेटिव आइडिया निकाला, जब दुनिया को सबको पता है कि 2009 में ग्लोबल क्राइसिस आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस, और वहाँ पे काफ़ी लोग जेल में चले गए थे। जब मुझे ये पता चला कि जो बेचारे फाइनेंशियल के वजह से, डेप्ट के वजह से, या बेचारे कुछ लेबर के लोग हैं जो जेल में चले गए, जिनके वीज़ा के इशू थे, जिनके जॉब चले गए थे,
और अकॉर्डिंग टू द लॉ बेचारे सब जेल में बैठे थे. तो ये सडनली मेरे ख्याल में आया और मैंने फिर इसके बारे में काम करना शुरू किया. मैंने इसके अंदर पुलिस टॉप लेवल के पुलिस एंड इंटीरियर मिनिस्ट्री के जो अपना इस इंटीरियर मिनिस्ट्री में जाके मैंने उधर जाके ये अपना प्रोपोजल रखा था. ये कह के मैं चाहता हूँ कि हम क्यों नहीं जो लोग जेल में उनकी मदद करें. और उन्होंने मेरे से पूरा डिटेल मांगी कि तुम क्या करना चाहते हो, कैसा करना चाहते हो, आपका प्रपोजल क्या है. तो मैंने उनको सारा प्रपोजल बताया था कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो कोई जेल में है या जो कोई बेचारे लेबर या कोई ऐसे लोग हैं जिसको ब्लू कॉलर कहते हैं जेल में है, उनको मैं बैक होम करना चाहता हूँ. इन्होंने कहा ठीक है, आपका सोचना बहुत अच्छा है और आप ये जो करना चाहते हो सिर्फ इंडियन के लिए. तो मैंने कहा नहीं, मल्टीनेशनल्स के लिए हर कंट्री के लोगों की मैं मदद करूँगा. साथ में उन्होंने सेकंड सवाल रखा कि इसमें कोई आपका रिलीजियस. तो मैंने कहा नहीं, मल्टीनेशनल्स एंड ऑल रिलीजियस के लिए मैं करूँगा. और उसके बाद हमने काम शुरू किया. गॉड ग्रेस आज तक हमने 15,000 लोगों को जेल से निकाला, बैक होम किया और उनको फाइनल डेस्टिनेशन तक उनके घर तक पहुँचाया और बड़े खुश है, बड़े हैप्पी है. Sure. Wish you all the very best. Thank you. Such a pleasure having you in our studios. Thank you. All the best. Thank you. Thank you. That's all we managed to pack into the show tonight. If you have any feedback for us, do let us know. We love hearing from you. Leaders of Tomorrow at timesgroup.com is our email ID. On Twitter, where it's Ananda_J and LOT_ET now, or Leaders of Tomorrow on ET now on Facebook. Thanks for watching. Have a good night.